नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रख रहे हैं और बीच श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में वो 330 मेगावाट क्षमता के किशनगंगा पनबिजली परियोजना के लोकार्पण समारोह में संबोधित कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान एनएन वोरा जी, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान नितिन गडकरी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आर के सिंह जी, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्रीमान रविंद्र गुप्ता जी, राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीमान सुनील जी, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री नजीर अहमद खान जी, सांसद और देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, सांसद श्रीमान मुजफ्फर हुसैन बेग जी और यहाँ उपस्थित सभी अन्य महानुभाव और जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आप सभी के बीच आने का अवसर मुझे मिला है। आपका अपनापन, आपका स्नेह ही जो मुझे बार बार यहाँ खींच के लाता है। बीते 4 वर्ष में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब मेरा यहाँ आना नहीं हुआ है। जब श्रीनगर में बाढ़ के बाद भी दिवाली के मैंने यहाँ पीड़ितों के बीच ही अपनी दिवाली बिताई थी। इसके अलावा सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने का भी मुझे अवसर मिला और आज जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा है तब भी मैं आपके बीच में हूं। यह महीना पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे की सीख ही सही मायने में देश और दुनिया को आगे ले जा सकती है। ये भी सुखद संयोग है कि रमजान के इस मुबारक महीने में ही हम यहाँ एक बहुत बड़े सपने को पूरा होने पर इकट्ठा हुए हैं। आज मुझे किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। कई मुश्किलों से पार पाने के बाद ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ने के लिए तैयार है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे राज्य को सिर्फ मुफ्त ही नहीं बल्कि पर्याप्त बिजली भी मिलेगी। अभी जम्मू कश्मीर को जितनी बिजली की आवश्यकता होती है उसका एक बड़ा हिस्सा देश के दूसरे हिस्से से पूरा किया जाता है। 330 मेगावाट की इस परियोजना के शुरू होने से बिजली की कमी की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा। भाई और बहनों, ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल है। इसे पूरा करने के लिए अनेक लोगों ने तपस्या की, पहाड़ के सीधे को चीर करके किशनगंगा के पानी को टनल के जरिए बांदीपोरा के गोनार नाले में पहुंचाया गया। इस परियोजना से जुड़े हर कामगार, हर कर्मचारी, हर इंजीनियर सब कोई विशेष बधाई के पात्र है। आपके ही हौसले का एक परिणाम है इस मुश्किल प्रोजेक्ट को हम पूरा कर पाए हैं। अभी यहाँ इस मंच से मुझे श्रीनगर रोड के रिंग रोड का शिलान्यास का भी अवसर मिला है। 42 किलोमीटर की सड़क पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाएगा। ये रिंग रोड श्रीनगर शहर के भीतरी इलाकों में जो जाम की समस्या है उसको काफी हद तक कम करने का काम करेगी, आपकी जिंदगी आसान बनाएगी। साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए राज्य के तीनों ही हिस्सों कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का संतुलित विकास बहुत ही आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2.5 साल पहले 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में लगभग 63,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी जा चुकी है और 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भी हो चुके हैं। इस राशि से जम्मू कश्मीर में IIT बनाने का काम, IIM बनाने का काम, 2 एम्स बनाने का काम,
प्राथमिक चिकित्सालयों से लेकर जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण का काम भी चल रहा है। नए नेशनल हाईवे, ऑल वेदर रोड, नई सुरंगे, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, नदियों और झीलों का संरक्षण, किसानों के लिए योजनाएं, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर, अनेक नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर यहाँ के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप हो, इस पर प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। साथियों, जब भी मैं पहाड़ पर जाता तो एक कहावत जरूर याद आते करता। पहले कहा जाता था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता। ये कहावत तब की है जब आधुनिक तकनीक का उतना प्रसार नहीं हुआ था, इंसान प्रकृति के सामने मजबूर था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस कहावत को आप सभी के सहयोग से हम बदलने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर का पानी और यहाँ की जवानी दोनों इस धरती के काम लाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कई नदियां हैं, यहाँ जल विद्युत के पार संभावना है। ये देश का वो हिस्सा है जो न सिर्फ अपनी जरूरतों को बल्कि देश की लिए भी बिजली पैदा करने का सामर्थ्य रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते 4 वर्षों से हम यहां अनेक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। किश्तवाड़ में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले हाइड्रो पावर प्लांट पर भी काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के हर घर तक बेरोक टोक बिजली पहुंचाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गांव से लेकर कस्बों तक हर जगह को रोशन करने के लिए राज्य के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। साथियों, सिर्फ गांव और घरों तक बिजली पहुंचाना भरी मकसद नहीं है, बल्कि जिन घरों में बिजली पहुंच चुकी है उनमें बिजली का बिल बोझ ना बने, इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। उजाला योजना के तहत जम्मू कश्मीर में भी 78 लाख से अधिक एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। इससे यहां की जनता को जो बिजली में बिल में हर वर्ष करीब करीब 400 करोड़ रुपीज से ज्यादा ही बचत हो रही है। सरकार राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचाने की मुहिम में जुटी हुई है। सौभाग्य योजना के तहत अब जम्मू कश्मीर में हर उस घर में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का काम चल रहा है जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। साथियों, जम्मू कश्मीर में विकास का सबसे बड़ा माध्यम अगर कोई सेक्टर है तो वो है टूरिज्म। ये दशकों से हम देखते आ रहे हैं कम निवेश पर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला ये सेक्टर जम्मू कश्मीर के भाग का भाग्य विघट बिदाता रहा है। लेकिन अब ये सेक्टर पुराने तौर तरीकों पर नहीं चल सकता। आज का टूरिस्ट आज की सुविधाएं चाहता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों तक इंतजार नहीं करना चाहता। वो संकरे रास्तों से फंसना नहीं चाहता। वो लगातार बिजली चाहता है, वो साफ सफाई चाहता है, वो अच्छी हवाई सेवा चाहता है। टूरिज्म के लिए जिस आधुनिक इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है उसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अनेक योजनाओं पर आगे बढ़ रही है। जितना ये इकोसिस्टम मजबूत होगा उतना ही जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। उतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के लिए नए अवसर भी मिलेंगे, उतना ही आपकी कमाई बढ़ेगी। साथियों, पूरे विश्व में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर केंद्रित है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था अकेले जम्मू कश्मीर में वो क्षमता है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था की गति
और बढ़ा सकने का सामर्थ्य रखती है। अगर मैं सिर्फ टूरिज्म की बात करूं तो लगभग 2000 करोड़ रुपए के निवेश से 12 डेवलपमेंट अथॉरिटीज, 3 टूरिज्म सर्किट, 50 टूरिस्ट विलेज बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, टूरिज्म के साथ ही उसके पूरे इकोसिस्टम को मजबूत किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस इकोसिस्टम को बहुत बड़ा आधार है कनेक्टिविटी का। यही कारण है कि कनेक्टिविटी के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य को दिए गए पैकेज का लगभग आधा हिस्सा रोड सेक्टर पर ही खर्च किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। यहां आने से पहले लेह में मैंने देश की सबसे लंबी जोजिला सुरंग को कार्य का आज शुभारंभ किया है। ये टनल जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखने वाली है। आप सोचिए, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अफसर पढ़ाई के लिए जाते हुए, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए, इलाज के लिए जाते हुए, व्यापार के लिए आते जाते समय, सामान की खरीद बिक्री के समय आपको परेशान कम होना पड़ेगा। रास्ते में देरी के चलते जो हमारे सेब खराब हो जाते हैं, हमारी वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं, यहाँ के किसानों का जो नुकसान होता है वो भी हम बहुत बड़ी मात्रा में कम कर पाएंगे। यहां श्रीनगर बनने वाली रिंग रोड हो, श्रीनगर शोपिया काजीगुंड नेशनल हाईवे हो, या फिर चेनानी सूद महादेव गुहा रोड हो, इनका पूरा होने पर आप लोगों का समय भी बचेगा और संसाधनों की बर्बादी भी कम होगी। राज्य के ऐसे इलाके जो बर्फबारी में महीनों के लिए कट जाते हैं उन्हें भी जोड़ा जा रहा है, उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस मुहैया कराई जा रही है। ये भी आपकी जानकारी में है कि सरकार द्वारा श्रीनगर और जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी काम प्रगति पर है। शहरों में पानी की सप्लाई और सीवेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अमृत योजना के तहत लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। अब आधुनिक सुविधाएं होगी, आधुनिक सड़कें होंगी तो आपकी जिंदगी तो आसान बनेगी ही। जम्मू कश्मीर में की सुंदरता में भी और नई चार चांद लगने वाले हैं। भाई और बहनों, जब हम गांव और शहरों को स्मार्ट बनाने की बात करते हैं तो स्वच्छता इसका एक अहम हिस्सा है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी इस अभियान को पूरी शक्ति से आगे बढ़ा रही है। हाल में यहां की एक बिटिया का वीडियो मैंने सोशल मीडिया में देखा था। 5 साल की जन्नत डल लेक को साफ करने के लिए मिशन में जुटी हुई है। जब देश का भविष्य इतना पवित्र और स्वच्छ सोचता है तब मुझे इस अभियान का एक सदस्य होने के नाते और भी खुशी होती है। साथ में ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने स्तर पर इस प्रकार के काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे इस बात का एहसास है कि भीषण बाढ़ ने यहां जो तबाही फैलाई उसने आपने जीवन को बदल कर रख दिया। हमारी ये हर संभव प्रयास है कि जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो और इसके लिए राज्य सरकार की निरंतर मदद की जा रही है। साथियों, एक और बहुत गंभीर विषय है जिस पर पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है, ये विषय है विस्थापितों का। जो लोग सीमा पार के हालत से तंग होकर यहां आए हैं, जिन्हें स्थानीय समस्याओं की वजह से घर छोड़ना पड़ा है, अलग अलग जगहों पर उनके पुनर्वास के लिए करीब करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, आज जम्मू कश्मीर के अनेक युवा देश के दूसरे राज्यों के नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। सिविल सेवा में जब यहां के नौजवानों का नाम देखता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं तो मेरी खुशी दोगुना हो जाती है। मुझे याद है देश का सीना तब गर्व से चौड़ा हो गया था जब यहां बांदीपोरा की बिटिया ने
किक बॉक्सिंग में भारत का नाम रोशन किया। तजामुल जैसे टैलेंट को देश बेकार नहीं जाने दे सकता। यही कारण है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के स्पोर्टिंग टैलेंट को निखारने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर के प्रयास कर रही है। इसी भावना के तहत यहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर के नौजवानों शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के साथ मिलकर कई नई योजनाओं को साकार किया गया है। हिमायत स्कीम के तहत यहां के 1,00,000 नौजवानों को ट्रेन करने की योजना पर काम चल रहा है। 16,000 से ज्यादा बच्चों को प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ मिला है। उन्हें देश के बेहतरीन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के अवसर दिया गया है। अलग अलग वजहों से कॉलेज और स्कूल बीच में छोड़ने वाले लगभग 60,000 विद्यार्थियों को नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया है। यहां के नौजवान देश और प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा में काम आ सके, इसके लिए भी नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को सशक्त करने के लिए 5 इंडियन रिजर्व बटालियन स्वीकृत की गई है। मुझे बताया गया है कि भर्ती की प्रक्रिया आखिरी चरण में है, जिसके बाद यहां के 5,000 युवाओं को सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार के लिए नागरिकों और राष्ट्र की सुरक्षा ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं। यहां जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सेना के जवान हो, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किल हालत में भी आप शानदार काम कर रहे हैं। आपके बीच जो मेजुअल है, कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए ये सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। चाहे बाढ़ हो या फिर बर्फीले तूफान हो या फिर आप जैसी आपदाएं, मुश्किल में फंसे हर जम्मू कश्मीरवासी के लिए सुरक्षा बलों का योगदान अतुलनीय है। यहां की जनता के लिए वे जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कष्ट झेल रहे हैं, उसकी एक एक तस्वीर देश की जनता के दिले दिमाग में छाई हुई है। भाइयों और बहनों, देश के 125 करोड़ लोग आज न्यू इंडिया के संकल्प पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इस न्यू इंडिया का सबसे चमकता सितारा बन सकता है। कोई वजह नहीं कि जम्मू कश्मीर में देश के सबसे अच्छे शिक्षा संस्थान, सबसे अच्छे अस्पताल, सबसे अच्छी सड़कें, सबसे आधुनिक एयरपोर्ट क्यों न हो। कोई वजह नहीं कि यहां के हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर न बने, अच्छे इंजीनियर न बने, अच्छे प्रोफेसर न बने, अच्छे वकील न बने, अच्छे अधिकारी न बने। कोई कारण नहीं है। साथियों, बहुत सारी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, यहां के लोगों का जीवन खुशहाल हो, लेकिन साथियों, हमें इन विदेशी ताकतों को जवाब देते हुए आगे बढ़ते रहना है। यहां महबूबा मुफ्ती जी के नेतृत्व में चल रही पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार निरंतर ऐसे नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है, जो विदेशी दुष्प्रचार से प्रभावित होकर अपनी ही पवित्र धरती पर प्रहार कर रहे हैं। साथियों, शांति और स्थायित्व का कोई विकल्प नहीं होता है। और मेरा आग्रह है, जो नौजवान रास्ता भटक गए हैं, वो मुख्य धारा में वापस लौट गए हैं। ये मुख्य धारा है उनका परिवार, ये मुख्य धारा है उनके माता पिता, ये मुख्य धारा है जम्मू कश्मीर के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी। इस युवा पीढ़ी पर ही जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ाने की। जम्मू कश्मीर में इतने साधन है, इतने संसाधन है, इतना सामर्थ्य है, फिर कोई वजह नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत के अपने दूसरे क्षेत्रों से रत्ती भर भी पीछे रह सके।
भटके हुए नौजवानों द्वारा उठाया गया हर पत्थर, हर हथियार उनके अपने जम्मू कश्मीर को अस्थिर करता है। राज्य को अब अस्थिरता के इस माहौल के बाहर निकालना ही होगा, भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। उन्हें सिर्फ कश्मीर ही नहीं, भारत के विकास के मुख्य धारा से जुड़ना होगा। हजारों वर्षों से हम एक भारत मां की संतानें हैं। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो भाई को भाई से दूर कर सकते हैं। मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। जो लोग दशकों से इस प्रयास में लगे हुए थे वो खुद बिखरने की कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं फिर कहूंगा, पिछले वर्ष मैंने दिवाली गुरेज में जवानों के साथ मनाई थी, तो इस वर्ष रमजान के मौके पर यहां मैं आज आपके बीच में हूं। यही तो कश्मीर की भावना है, यही तो इस धरती का देश और दुनिया को देन है। यहां सबका स्वागत है, यहां सबका सत्कार है। ये उस परंपरा की धरती है जो देश और दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसी धरती को पंथ और संप्रदायों से ज्यादा परंपराओं ने सींचा है, और इसलिए कश्मीरियत के अटल जी भी कायल रहे हैं और इसी कश्मीरियत का मोदी भी मुरीद है। और मैंने तो लाल किले से भी कहा था कि न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने जाएगी, हर कश्मीरी को गले लगाने से ही समस्या सुलझ। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार के पास नीति भी है, नियत भी है, और निर्णय लड़ने लेने में भी हम कभी पीछे नहीं रहते हैं। छात्रों पर हजारों मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया हो, या फिर अभी रमजान के इस मुबारक महीने में लिया गया सीज फायर का फैसला हो, उसके पीछे की सोच यही है कि कश्मीर के हर नौजवान को, यहां के हर व्यक्ति को स्थायित्व मिले, स्थिरता मिले और विकास मिले। साथियों, ये सिर्फ सीज फायर नहीं है, ये इस्लाम की आड़ में आतंकवाद फैलाने वालों को उजागर करने का एक माध्यम भी है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे उन्हें भ्रम में रखने की कोशिश की जा रही है। स्थायित्व की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रतिनिधि को भी नियुक्त किया है। वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से, यहां के अलग अलग संगठन संस्थाओं से मिल रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि जो भी अपनी बात है जाके बताए, हर व्यक्ति से बातचीत करके वो शांति प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन कश्मीरियत और जमहूरियत के गठबंधन को कायम रखने में आप सभी लोगों की भी, और मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से अपील करता हूं, आप सभी की भी, यहां के हर माता पिता की, यहां के युवाओं की, यहां के बुद्धिजीवियों की और धर्म गुरुओं की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी भूमिका है। मैं चाहूंगा कि आप, हम सभी अपनी सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास पर लगाएं। हर समस्या, हर विवाद, हर मतभेद, उसका हल एक ही है, विकास, विकास और सर्व विकास। न्यू इंडिया के साथ ही न्यू जम्मू कश्मीर, साथ और शांत और समृद्ध जम्मू कश्मीर बदलते भारत की विकास गाथा को और मजबूत करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हम इसी विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में भी अपनी भावनाओं को मैं खुल करके प्रकट करता, अपनी बात को खुल करके बताता हूं, और मैं दुनिया के लोगों को भी कहता, सारे दुनिया के देश जो भी इन रास्तों पर चल पड़े हैं, सारे पछता रहे, सब वापस लौट रहे, मैं वापस लौट कर रास्ता ढूंढ रहे, और इसलिए अमन चैन की जिंदगी, भाईचारे की जिंदगी
शांति और समृद्धि की जिंदगी हो, सुख चैन की जिंदगी हो, इसी विरासत को हमें आगे बढ़ाना है। और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, जहां जरूरत पड़े होगी सारे कदम उठाते चले जाएंगे, आपका साथ और सहयोग रहेगा। हम जिस चाह को लेकर के निकले हैं वो चाह हम पूरी करके रहेंगे, और फिर एक बार हमारा ये कश्मीर, हमारे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पूरा इलाका सारे हिंदुस्तानियों के लिए वही मुकुटमणि के रूप में हर किसी को प्यार से गले लगाने का मौका देगा। इसी भावना के साथ सेठा सेठा शुक्रिया, आज दिन भी याद है, खुदाई कई नव होश तक खुशहाल, धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके जज्बात को, आपके ख्याल को हम सलाम पेश करते हैं और आपके अंदाज़ बयान के हम कायल हैं। मैं फकत आखिर में ये कहना चाहूँगा कि कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के।